तो ये देखो, ये जो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है, बेसिकली आप इट इज यूज टू मेजर द करंट और मॉडिफाई फॉर्म में करंट और वोल्टेज। आप पढ़े होंगे ये बात कि कैसे गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, वो सारा डिटेल में आप पढ़ाई किए होंगे। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, द डिफ्लेक्शन इन द कॉयल इज, देखो डिफ्लेक्शन इज कॉयल इज 0.5 रेडियन, ठीक है। तो ये जो क्वायल है, बेसिकली इस क्वायल में डिफ्लेक्शन इतना दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू है 0.,  मतलब डिफ्लेक्शन थीटा रेडियन में ना भाई, एंगल है। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये जो क्वायल है यही घूमेगा यार। ये जो क्वायल है, ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये वाला जो क्वायल, ये घूमेगा। तो ये जब घूमेगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, और जब डिफ्लेक्शन होगा, जैसे ये क्वायल है, तो ये जब घूमेगा ना मेरे भाई, इस वाली एक्सिस पर घूमेगा, तो इसमें एक तो टॉर्क घुमाने वाला होगा, एक इस पे अपोजिट रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगा। तो ये टाउ एक्सटर्नल जो कि हम अप्लाई करते हैं, और ये टाउ रीस्टोरिंग जो इस कॉयल को दोबारा अपने पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। आ रहा समझ में? ऐसा होता है भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ से कहता है कि जो कॉयल घूमा होगा उसका डिफ्लेक्शन थीटा रेडियन है, करंट इसमें 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, पास थ्रू इट। इफ द टोरिजिनल कॉन्स्टेंट ऑफ द वायर, इस वायर का जो टोरिजिनल कॉन्स्टेंट है वो भी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं हम इधर से भी, उसकी भी वैल्यू दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ईच टर्न, मतलब एक टर्न का एरिया निकालना हमें ये वाला। तो तुम देखोगे यहाँ रीस्टोरिंग जो टॉर्क है, जो टॉर्क एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का है, उसके बराबर होगा एट इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर जो है एक्सटर्नल टॉर्क रीस्टोरिंग के बराबर होगा, और रीस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू होती है थीटा टोरिजिनल कांस्टेंट, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क होता है mb sin θ। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और ये 90 डिग्री, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू NIA एरिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से। तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ इच टर्न इज इक्वल टू तो थीटा के और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और आई की वैल्यू यहाँ से। तो ये जो एरिया है इसको मैं अगर कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पर, तो बेसिकली तुम देखोगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो कितना है, थीटा तो 0.05, ठीक है। और के की वैल्यू कितनी यहाँ दी है, 4 × 10⁵ डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भाई। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर देखा जाए तो ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स कितना है यार, 200 है। तो नंबर ऑफ टर्न्स 200 है। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो 0.01 टेस्ला है। और अगर मैं मल्टीप्लाई किया यहाँ करंट से, तो करंट 10 mA है, 10 mA, 10⁻¹। तो ये पूरा सॉल्व कर लेना तुम, ये पूरी कहानी, तो एरिया आ जाएगा 1 cm, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेंटीमीटर में ही था, मिली। तो ये पूरा ये 10⁻¹, और एक करंट देखोगे तो 10⁻³ एम्पियर। तो यहाँ से जो है मतलब ये जो पूरा सॉल्व करने के बाद आया 1 cm, मतलब 10⁻²⁰ आएगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और सेकंड ऑप्शन सही है।